चलो अब मैं बताऊंगा कि मान लीजिए कि हम बाइनरी सॉल्यूशंस के पहले तो मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो उससे पहले मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई एक बीकर है, उसमें दो ही कंपोनेंट हो सकता है। पहला कंपोनेंट क्या हो सकता है, एक तो मेरा सॉल्यूट हो सकता है, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट क्या हो सकता है बताइए, सॉल्वेंट हो सकता है। और ये जहां जितने भी मैंने टर्म्स बताए हैं, इनकी जरूरत हमें पड़ेगी। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ए मेरा क्या है, जो सॉल्यूट है वो ए है और सॉल्वेंट जो है वो मेरा बी है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। अब होगा क्या कि अगर मैं मोलालिटी की बात करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तो मोलालिटी के लिए मैंने क्या बोला था कि भाई मोलालिटी यानी कि स्मॉल एम से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और मोलालिटी का मतलब कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, यही बताया था ना आप लोगों को, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहाँ पे क्या था, जो सॉल्वेंट होगा वो मेरा किस में होगा बताइए, केजी में होगा। अगर वही केजी में ना हो के एमएल में होगा तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं भाई कि यहाँ से कि अगर मैं ये बोलूं कि भाई एन यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया, वी को मैं क्या बोल देता हूँ, वॉल्यूम, और एमएल में है तो 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगले स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ कि एन जो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो एक काम करूं इसको एक और मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट लिख सकता हूँ ना, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूट है मेरा वो ए है, मैंने बताया भी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, वेट यानी कि डब्ल्यू ए वेट अपॉन सॉल्यूट का वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो मॉलिकुलर वेट सॉल्यूट का एम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए आप, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास एम ए, क्लियर हो गया, और ये हमारा मोल्स हो गया, और वॉल्यूम जो है मेरा वो भी रहेगा इंटू 1000, क्लियर हुआ इतना आप लोगों को? यस सर। सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, सॉल्वेंट जो है ना, सॉल्वेंट इन केजी होगा, ठीक है, सॉल्वेंट किस में होगा, केजी में होगा, क्लियर हुआ? तो जब सॉल्वेंट केजी में होगा तो मेरा वेट क्या आएगा, यहाँ पर एमबी आएगा, देखिए यहाँ पर ये वाला नोट करिए, एमबी यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये क्या हो जाएगा, एमबी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई और करूं तो स्मॉल एम इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, यहाँ पे देखिए डब्ल्यू ए अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम ए, हाँ एम ए, और यहाँ पर सॉरी यार ये डब्ल्यू बी होगा, यहाँ पे मैंने कुछ गलत नहीं, मॉलिकुलर वेट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो डब्ल्यू बी होगा, यहाँ पर ये डब्ल्यू बी होगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट जो है केजी में, यानी कि हम वेट की बात करते हैं, तो डब्ल्यू बी होगा सॉल्वेंट का वेट, ठीक ना। सो यहाँ पर आ जाएगा ये डब्ल्यू बी, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना, मैंने दो तीन बार इसे इरेज किया है, तो एक बार मैं दोबारा क्लियर करता हूँ। यहाँ पे देखिए मोलैलिटी का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, और ये भी मेरा क्या हो जाएगा, मेरे पास डब्ल्यू बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्वेंट है यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, और फिर यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो आसानी से आप गेट कर दोगे इनटू 1000। ये हमारा फाइनल मोलालिटी का फॉर्मूला है, इसको मैं मान लेता हूँ ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मोल फ्रैक्शन का, तो मोल फ्रैक्शन हमने मोलालिटी का रिलेशन रिलेशन निकाल लिया है, अब बात करेंगे मोल फ्रैक्शन। जब आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो यहाँ पे मैंने बताया था कि कोई भी अगर कंपोनेंट हो उसका मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए कि सॉल्यूट ए का निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ए इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका आपको मोल लिखना है, तो यानी कि सॉल्यूट का निकालेंगे तो सॉल्यूट का मोल इंटू टोटल मोल। तो अब बताइए कि अगर हमारे पास इसमें सॉल्यूट में सॉल्यूट का मोल कितना होगा स्मॉल एन और सॉल्वेंट का मोल कितना होगा कैपिटल एन, तो टोटल मोल कितना निकलेगा, एन प्लस एन होगा कि नहीं होगा बताइए आपको। तो यानी कि हमने क्या किया, एन प्लस कैपिटल एन, तो ये मेरा टोटल मोल हो गया, और सॉल्यूट का मोल का अगर फ्रैक्शन निकालना है तो आप क्या करोगे, सॉल्यूट का मोल ये वाला अपॉन टोटल मोल से डिवाइड करोगे तो ये मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मान लेता हूं इसके इक्वेशन सेकेंड, ये हमने सॉल्यूट का निकाला है और बी मेरा क्या होता है, यहाँ पर सॉल्वेंट है, तो उसका जब आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो क्या होगा कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कि कैपिटल एन अपॉन टोटल मोल से जब आप डिवाइड करोगे तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये मेरा हो गया थर्ड इक्वेशन। यानी कि हमने सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाला, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाला,
और फिर हमने क्या किया है, यहाँ पर मोलैलिटी भी निकाली है, तीन इक्वेशन हमने जनरेट की। इवन हमें निकालना भी क्या था, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में रिलेशन निकालनी थी, तो इसलिए हमने इन तीनों को फाइंड आउट किया है। अब एक काम करिए आप लोग, यहाँ पे देखिए कि इक्वेशन इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई थर्ड, ठीक है। जब हम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा वो देखिए। तो जब हमने इक्वेशन सेकेंड को जब हम डिवाइड करेंगे, पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। हाँ ये देखिए, एक्स ए अपॉन एक्स बी इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा, जब आप डिवाइड करोगे तो ये वाला टर्म्स इससे कट जाएगा और यहाँ पे मिलेगा स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। यही आएगा कि नहीं आएगा बताइए आप लोग। यहाँ से देखिए एक्स ए अपॉन, ऐसे आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये बेस डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, यही आएगा कि नहीं आएगा। हेलो, यस सर। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको कि स्मॉल एन है क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और कैपिटल एन क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ भाई बताइए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकता हूँ कि वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, डब्ल्यू ए अपॉन, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, एम ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता सॉल्यूट के, क्योंकि सॉल्यूट ए जो है मेरा वो सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट के केस में क्या होगा, यहाँ पर बी कंपोनेंट जो मेरा सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, यानी कि वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको वो देखिए एक बार, यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन इंटू एम बी, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए, मैं इसको उल्टा लिखता हूँ, ऐसे ही देता हूँ, एम ए इंटू डब्ल्यू बी, ठीक है, यही आएगा ना, आप एक बार देखिए एक बार। यस सर। यहां तक किसी को डाउट है? चलिए बहुत बढ़िया। सो यहाँ पर देखोगे कि एक्स ए अपॉन एक्स बी जो है कितना निकल गया, डब्ल्यू ए इंटू एम बी अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, मैं एक काम करता हूँ, इस वाले पोर्शन को इरेज कर देता, ठीक है, इस वाले पोर्शन को इरेज करके मैं डायरेक्टली ये वाला जो पार्ट है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली, डब्ल्यू ए इंटू एम बी अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, ठीक है। इस इक्वेशन को आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब इक्वेशन फर्स्ट में आप ध्यान दीजिए, ये वाला इक्वेशन जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए कि m इक्वल्स टू, देखिए मोलालिटी इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, ठीक है। इसको एक तरफ रखिए और 1000 को यहाँ पर लेफ्ट साइड लेके जाइए, तो आपको फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ध्यान दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए डब्ल्यू ए अपॉन एम ए डब्ल्यू बी इक्वल्स टू मोलालिटी अपॉन 1000, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा मोलालिटी के इक्वेशन से बताइए आप लोग, ऐसे लिख सकते हैं इसको? हेलो, यस सर। यस सर, ठीक है। सो यहाँ पे मोलालिटी से हमने लिखा, तो देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए आप कि डब्ल्यू ए अपॉन एम ए डब्ल्यू बी जो है, यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन नंबर ये वाला फोर्थ इक्वेशन है, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या होगा, कलर में चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि देखिए डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, और यहाँ पर भी आप देखिए डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, क्या सेम है कि नहीं, ये दोनों येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया है। यस सर। हाँ हाँ बोलिए। हेलो, कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। गुड। अब एक काम करिए कि क्या मैं यहाँ पे जो येलो कलर यहाँ इक्वेशन नंबर फोर्थ में लिखा है, क्या उसको m by 1000 से रिप्लेस कर सकता हूँ कि नहीं? यस सर। तो क्या हमें रिलेशन मिलेगा, अगला जो इक्वेशन मिलने वाली है एक मोलालिटी का एक्सप्रेशन आएगा, यहाँ पे देखिए एक्स ए अपॉन एक्स बी इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा मोलालिटी इनटू, यहाँ पर देखिए एम बी यानी कि मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। एक तो ये रिलेशन आ गया, ध्यान दीजिए कौन सा रिलेशन हो गया, एक ये रिलेशन, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट
फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, इसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक ना। सो एक्स ए अपॉन एक्स बी यानी कि मोल फ्रैक्शन है इनटू मोलालिटी और मोल्स ऑफ या सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। एक तो ये हो गया। एक और मैंने आपको जब मैं मोल फ्रैक्शन पढ़ाया तो आपको रिलेशंस बताया था, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए बाइनरी कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग, याद करिए। यस सर, होगा ना। तो एक बात बताइए, क्या मैं यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर एक्स बी है, आप दिखाई दे रहा है एक्स बी, मैं यहाँ से एक्स बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, यहाँ पर पुट करूं मैं यहाँ पे ये वैल्यू? यस सर। तो हमें क्या कंपोनेंट मिलेगा, वो एक नया फॉर्मूला डेराइव होके आएगा, वो देखिए। सो यहाँ पे हो जाएगा एक्स ए अपॉन यहाँ पर 1 माइनस एक्स ए इक्वल्स टू मोलालिटी इंटू एम बी यानी कि मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, अपॉन 1000, ठीक है। अब यहाँ से सीधा आप एक काम करिए कि मोलालिटी जो है मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक ना, मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा वो देखिए, मैं मोलालिटी का रिलेशन जब निकालूंगा तो यहाँ पे आएगा मोलालिटी इक्वल्स टू 1000 इंटू एक्स ए अपॉन, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स ए यानी कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये मोलालिटी का आपका रिलेशन आ गया। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। बहुत सही। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है और ये मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में जो है ये मेरे पास सेकेंड फॉर्मूला है। इन दोनों को आप नोट कर लीजिए और अभी इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस दो फॉर्मूले, एक तो ये वाला फॉर्मूला, एक दूसरा ये सेकेंड फॉर्मूला, और इसको भी आप याद रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन जो होगा एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, वैसे आपको याद ही था। चलिए, तो इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट है किसी को आप लोगों में से तो आप पूछ लीजिए एक बार। बहुत बढ़िया। अब एक काम करिए आप लोग, जैसे कि यहाँ पर ना प्रीवियस स्लाइड शो करना। हाँ बोलिए। सर फॉर्मूलाज नोट करने थे। हाँ आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लो या फॉर्मूला नोट कर लो, आप कर लीजिए। यस सर। हो गया। चलिए यस सर। अब एक काम करिए कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में पहले आपको समझा देता हूँ, फिर आप देखिएगा कि यहाँ पर ना इक्वल सॉल्यूशन दो तीन चीजें हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि इफ द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज चेंज्ड फ्रॉम 1/3 to 1/2 in 800 gram of solvent, ठीक है, then ratio of molality will be, बताइए क्या होगा, इसको आप सॉल्व करके बताइए। आप लोग एक दो मिनट लगाइए, सॉल्व करिए, नहीं होता है तो फिर मैं बताता हूँ। मोलालिटी का फॉर्मूला आप यूज करिए, जो फाइनल फॉर्मूला था उससे आपका लग जाएगा। किसी का लगा यहाँ पर एक फॉर्मूले में कुछ तो डाउट है,
आप लोगों में से किसी का आया one ratio two yes sir good right option सही बहुत सही great so यहाँ पर जो है यही सही है D option जो है वो right option है ठीक ना चलिए एक बार मैं भी solve कर देता हूँ हो सकता है एक दो लोगों का नहीं हुआ कुछ लोगों का ठीक ना So, चलिए मोलालिटी का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था बताइए एक बार आप लोग मोलालिटी इक्वल्स टू 1000 इनटू ए अपॉन एक्स ए था ना यस सर अपॉन वन माइनस एक्स ए इनटू एमबी यानी कि यहाँ पर जो था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट था यही था ना अब एक बात बताइए इन्होंने बोला है कि भाई आपका जो जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का यानी कि एक्स ए जो है एक बार 1/3 है और फिर एक बार आपने उसको बदल करके क्या कर दिया 1/2 कर दिया है तो जब आप मोल फ्रैक्शन आप बदलोगे तो क्या आपकी मोलैलिटी जो है एम वन से बदल के क्या हो जाएगी एम टू होगी कि नहीं होगी बताइए यस सर ठीक है सो अब हमने क्या किया कि भाई चलो आपने मोल फ्रैक्शन बदला लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए जो डिनोमिनेटर में ये वाला जो टर्म है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या ये बदलने वाला है क्या दोनों के केस में नहीं ना मॉलिक्यूलर वेट तो नहीं बदलेगा ना अगर वेट होता तो बदलता तो मॉलिक्यूलर वेट बदलेगा नहीं यानी कि यहाँ पे अगर एक्वस सॉल्यूशन मेंशन है तो एक्वस ही रहेगा या कोई भी सॉल्वेंट ठीक है तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए अगर मैं मानता हूं कि जब मेरा मोल फ्रैक्शन जो है 1/3 है तब मान लेता हूं कि मेरी मोलालिटी कितनी है एम वन है तो एम वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1000 इनटू 1/3 होगा कि नहीं होगा बताइए आप लोग यस सर 1 - 1/3 इनटू एमबी एमबी ऐसे ही रहने दो क्योंकि वो मेंशन है नहीं ठीक है कि सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर या कोई मेंशन नहीं है तो आप उसको ऐसे ही रहने दो दोनों के केस में सॉल्वेंट सेम रहेगा इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट अब मान लीजिए कि जब मैंने मोल फ्रैक्शन क्या कर दिया बढ़ा दिया 1/3 से 1/2 कर दिया तो उस केस में मेरी मोलालिटी चेंज होकर के क्या होगी m2 हो गई और यहाँ पर आपको हो गया 1000 इनटू 1/2 अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन आप यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 इनटू mb ठीक है इक्वेशन नंबर सेकेंड यहाँ पे आप क्या करो कि m1 by m2 डिवाइड कर दो आप तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए ये जो है वन ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा ठीक है मॉलिक्यूलर एमबी एमबी भी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1/2 ठीक है क्लियर हुआ इतना आप लोगों को यस सर चलिए बहुत बढ़िया किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में या मैं बताऊं चलिए बहुत बढ़िया अब आगे बढ़ते अब यहाँ पर भी आप लोग देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आप देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन ध्यान से सुनिएगा कि जो है एक्वस सॉल्यूशन बोला हुआ है यानी कि मेरा सॉल्वेंट क्या है बताइए सॉल्वेंट क्या है बताइए वाटर है कि नहीं वाटर सर हाँ तो इसका मॉलिक्यूलर वेट एमडब्ल्यू क्या लोगे आप लोग बताइए 18 लोगे कि नहीं यस सर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट मेरा वाटर है और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है बताइए 0.2 है कि नहीं आप लोग सुन रहे हो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यानी कि एक्स ए जो है 0.2 है तो अगर मैं बोलूं कि भाई एक्स बी तो यहां से आप निकाल लोगे एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 तो यहां पे जो एक्स बी आएगा वो कितना आ जाएगा 0.8 आएगा कि नहीं मोल फ्रैक्शन बताइए आप लोग yes, हाँ लेकिन हमें इसको निकालने की जरूरत नहीं है आप एक्स बी मैंने ऐसे बता दिया कि कभी अगर मान लो कि दोनों की जरूरत पड़े तो आप निकाल सकते सो यहाँ पर आप देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन जितना है तो मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा उसको आप निकाल के दिखाइए सिंपल फॉर्मूले से निकलेगा मोलालिटी वाले से मोलालिटी का फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ 1000 इंटू एक्स ए यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 माइनस
एक्स ए, और यहाँ पर एम बी जो है वो सॉल्वेंट का मॉलिकुलर वेट है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि मैंने बताया ये। कैलकुलेट करिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है आप लोग, जल्दी करिए इसे। चलिए चलिए आप लोगों में से किसी का आंसर आया? चलिए मैं ही सॉल्व करता हूँ, आप लोगों का लगभग आ ही गया होगा। यहाँ पे देखिए मोलैलिटी क्या है, पहले तो आप चेक करिए गिवन क्या क्या है वो देखिए। तो यानी कि एक्स ए सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 दिया हुआ है। मोलैलिटी निकालने के लिए आपको चाहिए ही क्या, ध्यान से सुनिए, मोलैलिटी निकालना है तो आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन एक्स ए चाहिए, एक तो ये, और सॉल्वेंट का मोलिकुलर वेट चाहिए जो कि सब पता है आपको। बताइए क्या एक्स ए 0.2 है और जो सॉल्वेंट जो है उसकी मॉलिक्यूलर वेट की बात करोगे एम बी तो वो 18 है, वैल्यू पुट कर देनी आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 1000 इक्वल टू 0.2 अपॉन 1 माइनस 0.2 इंटू 18। क्या इसमें कोई बड़ा कैलकुलेशन है क्या? नो सर। कितना आया सर? 13.88 सर, 13.88। गुड, सो इसका राइट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट है। इसमें कोई बड़ा वो नहीं था, आपको वो नहीं करने की जरूरत थी। ठीक है, सभी लोगों को लग गया आप लोगों का, या किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है, इसका आएगा 13.188। और एक काम करिएगा आप लोग कि मोलैलिटी में, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ओपी टंडन या जो भी किताब होगी फिजिकल केमिस्ट्री की, आप उसमें से 2-3 न्यूमेरिकल्स मोलैलिटी, 2-4 मोलैरिटी, इन पे आप सॉल्व करिए ताकि और आसान हो जाए। ठीक ना, आप लोग करोगे ना सॉल्व? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। इसको मैं पहले एक्चुअली क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मैं इसको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने पूछा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द 12 मोलल सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऑफ इन द 12 मोलल सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3। ठीक है, यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है, 12, हिंट ध्यान से सुनिएगा, 12 मोलल का मतलब क्या होता है? 12 मोलल का मतलब ये है ना, ध्यान से सुनिए, 12 मोलल का मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, ध्यान से सुनिए, 1 लीटर सॉल्यूशन में 12 मोल जो है ना, क्या 12 मोल Na2CO3 प्रेजेंट है। क्लियर हुआ आप लोगों को? हेलो। यस सर। हाँ, सो देखिए अगर मैं बोलूं कि भाई 5 मोलल HCl है, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई 1 लीटर में हमने 5 मोल HCl मिक्स किया हुआ है, मतलब समझ में आया इसका? समझ रहे हो आप लोग? बोलो यार, थोड़ा बहुत बोल दो, इतनी खामोशी अच्छी नहीं होती, चिल्लाओ थोड़ा। सो चलिए ये न्यूमेरिकल आप लोग लगाइए, मैंने इतना हिंट दिया है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो लग जाएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है, समझ में आ रही है बात? एक्स Na2CO3 करना है, Na2CO3 करना है। आप लोग सॉल्व करिए, 1 मिनट देता हूँ, 1-2 मिनट आप सॉल्व करके बताइए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जिसमें हमने, इसका मतलब क्या होता है कि 12 मोल जो है Na2CO3 प्रेजेंट है और 1 लीटर में, 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट है, तो मोल फ्रैक्शन आप बताइए। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, सो 1 लीटर वाटर है और उसमें 12 मोल जो है
Na2CO3 है, तो अब बताइए कि मोल फ्रैक्शन जो है Na2CO3 का क्या होगा। आप लोगों में से किसी का लगा या कोई बताएगा कि कैसे सॉल्व करेंगे इसे? सर सेकंड ऑप्शन 0.177। यस सर। गुड। और किसी का लगा आप लोगों में से? हेलो, किसी का लगा? जल्दी बताओ यार। ठीक है, सो मैं एक बार, नहीं लगा आपका? नो सर। ठीक है, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। इसीलिए मैं आपको हिंट दे रहा था कि मान लीजिए कि 12 मोलल का क्या मतलब हुआ कि भाई साहब हमारे पास एक बीकर है और उसमें कितना सॉल्यूशन है? 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन है, एक्वस Na2CO3 का हमने सॉल्यूशन बनाया, 12 मोलल है। तो यानी 12 मोलल का मतलब कि जो मेरा Na2CO3 है वो तो सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है मेरा बताइए, वाटर है कि नहीं? H2 मेरा सॉल्वेंट है और Na2CO3 जो है वो मेरा सॉल्यूट है, और इन्होंने बोला है कि भाई साहब 12 मोलल है, इसका मतलब कि 12 मोल इसमें क्या है, सॉल्यूट है कि नहीं बताइए आप लोग। जब 12 मोल जो है Na2CO3 है तो 1 लीटर उसमें पानी है, और 1 लीटर पानी का वेट कितना होता है बताइए, 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता है? और जब 1000 ग्राम होगा तो आपने सॉल्यूट का मोल निकाल लिया है और सॉल्वेंट का मोल निकालना है, तो जब आप मोल्स ऑफ H2O निकालोगे वाटर तो क्या हो जाएगा बताइए, 1000 अपॉन 18 होगा कि नहीं, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट होगा कि नहीं होगा बताइए आप, ये कितना निकल के आएगा? 55.55 मोल्स, यानी कि 55.55 मोल्स मेरा वाटर हो गया, इसमें सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 12 मोल। और इन्होंने बोला है कि भाई साहब अब एक काम करिए, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का बताइए, तो अब तो निकल जाएगा ना, क्योंकि टोटल मोल्स आपको पता है और सॉल्यूट का भी मोल पता है, तो अब बताइए टी एम मतलब टोटल मोल कितना होगा, 12 मोल प्लस 55.55 ये कितना हो गया, 67.55 मोल होगा। ठीक है, और आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सोडियम कार्बोनेट का निकालना था, यानी कि x Na2CO3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 अपॉन टोटल मोल कितना हो जाएगा, 67.55, जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, बी ऑप्शन 0.177। अभी क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करना था इसको? यस सर। क्योंकि मैं इसीलिए फोकस कर रहा था कि 1 लीटर का मतलब कि 1 लीटर पानी है, तो यानी इसका मोल निकाल लो, और 12 मोलल उन्होंने बता रखा है कि सॉल्यूट का इतना मोल है, तो टोटल मोल और जिससे जिसका निकालना है उसे डिवाइड कर दो टोटल मोल से, तो आपका मोल फ्रैक्शन आ जाए। चलिए आप लोग एक दो बार इसको क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, फिर हम आगे, आप बुक से सॉल्व करिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सेंड करिएगा, मैं बताऊंगा। अब बात आती है मोलारिटी का, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को कि मोलारिटी में, पहले तो मैं मोलारिटी थोड़ा सा बताऊंगा, फिर मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी बताएंगे कि दो सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो मोलारिटी में क्या चेंजेस होगा उसके रिगार्डिंग। सो मोलारिटी का कहने का मतलब क्या है, सिंपल मीनिंग है वो, ध्यान से सुनिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्लियर हुआ कि 1 लीटर में ना कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोल देते हैं, मोलारिटी बोलते हैं। सिंपल स्टेटमेंट यही है, और उसका फॉर्मूला क्या हो, ध्यान से सुनिए कि कैपिटल M से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे एक चीज वैसे मैंने लिखवा दिया था आपको, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम इन लीटर में ना होके अगर वो ml में है तो 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली हर जगह ml में होता है, तो हमने यही फॉर्मूला लिखा है। कैपिटल M इक्वल्स टू आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हो बताइए, वेट, यानी कि W A
अपॉन एम ए लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बताइए आप लोग। यस सर। अपॉन वॉल्यूम यानी भी रहेगा इंटू 1000, ठीक है। और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या निकल के आएगा, डब्ल्यू ए अपॉन यहाँ पर हो जाएगा एम ए मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू भी इंटू 1000, यानी कि वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वॉल्यूम की बात करें। ये फॉर्मूला है, ये मोलारिटी का फॉर्मूला है, एक बार आप नोट कर लीजिए और फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल्स है, यहाँ पर तीन पार्ट दिया हुआ है, तीनों पार्ट को हम वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस, यहाँ पे आपको मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। और ये बताइए फर्स्ट पोर्शन में कि 4 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा इज डिसॉल्व इन 200 ml ऑफ द सॉल्यूशंस, ठीक है। यानी कि आपको गिवन क्या है, ए वाले पोर्शन में क्या गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम, यानी कि ये डब्ल्यू ए है, ठीक है। अब इसमें और क्या गिवन है, वॉल्यूम कितना है, 200 ml में आपको सॉल्यूशन बनाना है, तो उसकी मोलारिटी क्या होगी ये बताए। मोलारिटी का मैंने फॉर्मूला आपको बताया ही था, तो एक बार कैलकुलेट करके बताइए मोलारिटी कितनी आ रही है। चलिए चलो चलो जल्दी बताओ यार। और यहाँ पर जो मॉलिकुलर वेट, यानी कि ध्यान से सुनिए, मैंने एक चीज नहीं बताया आप लोगों को, जो कास्टिक सोडा होता है वो होता है क्या है, NaOH होता है, और इसका मॉलिकुलर वेट कितना होगा, MW40, ठीक है, 40 ग्राम पर मोल। सो 4 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 40 इंटू 200 ml इंटू 1000, कितनी मोलारिटी आ रही है जल्दी बताइए आप लोग कैलकुलेट करके इसे, बताइए बताइए। ये कट गया तो ये आ जाएगा 5, और ये यहाँ पर 10, सो 0.5 मोलर, हाँ इतना आ रहा है आप लोगों का। हेलो। यस सर। 0.5 मोलर आ रहा है आप सभी लोगों का। यस सर। यस सर। बहुत सही बहुत सही। ऐसे ही सिमिलरली सेम फॉर्मूला आप यूज करिए और सेकेंड के लिए बताइए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सोडियम जो कार्बोनेट होता है इसका मॉलिकुलर वेट, यानी कि जो है एम ए जो है वो 106 होता है ग्राम पर मोल, ठीक है। तो अब इसका सॉल्व करके बताइए कितना मोलर आ रहा है बी वाला पोर्शन में, मोलरिटी बताइए आप लोग जल्दी से। कितना आया बताइए आप लोग, चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। 0.5 वेस करूँ। कितना आया? 0.5। गुड, 0.5 इसका आंसर, ठीक है। ये भी हाफ मोलर सॉल्यूशन है। मैं इसको सॉल्व कर दूँ या आप लोग कर लोगे, रहने दूँ, ठीक है। आप सी ऐसे ही सिमिलरली सी को सॉल्व करिए और बताइए आप लोग आंसर फटाक से, जल्दी करिए।
कितना आया मोलारिटी बताइए आप लोग। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, एम इक्वल्स टू यहाँ पर जो होगा, यहाँ पे HCl का मॉलिकुलर वेट आप कितना लोगे, 36.5। ध्यान दीजिएगा कितना होगा, 36.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, HCl की जो मॉलिकुलर वेट होगा वो 36.5 ग्राम पर मोल होगा, ठीक ना। सो यहाँ पे वेट कितना है, 0.365, ये मेरे पास ग्राम में होगा, अपॉन मॉलिकुलर वेट जो होगा वो 36.5 ग्राम इनटू, ठीक है, इनटू वॉल्यूम जो है वो एमएल में है, 50 ml इनटू 1000, तो ये हो गया। काम करिए 20, ठीक है, इसे आप सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है सी का, 1/5 सर, 0.1 कितना आ रहा है, 0.2 मोलर, हाँ यस सर, सही है, 1/5 या 0.2 मोलर, सही, गुड, बहुत सही। मोलैरिटी आप लोग निकाल लोगे, आप कहीं भी अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आता है मोलैरिटी निकालने के लिए, फिर उसके बाद आगे कोई न्यूमेरिकल देता है उसमें तो मोलैरिटी yes. निकालना तो आ जाएगा ना, यस सर, चलिए यस चलिए। अब एक काम करते हैं कि आगे हम लोग अब मोलैरिटी मिक्सिंग के जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम देखते हैं। मिक्सिंग का कहने का क्या मतलब हुआ वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये हाइट नहीं हो रहा है, ये मोलैरिटी मिक्सिंग से क्या मतलब है आप लोग बताएंगे, आप लोग क्या सोच रहे हो, एक मैं पूछना चाहता हूँ कि मोलैरिटी मिक्सिंग का क्या मतलब है। चलिए चलिए बताइए आप लोग, कुछ आइडिया आ रहा है सर, किसी एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम और मोलारिटी मिक्स होता है किसी अनदर सॉल्यूशन के वॉल्यूम और मोलारिटी से। सही है, बहुत बढ़िया, सही, लगभग ठीक है। और कोई आप लोगों में से, चलिए ठीक है मैं ही बताता हूँ। ठीक है, एक काम करिए, आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि मान लो आप लोगों ने कभी ऐसे घर पे कभी के कोई जैसे कि लेमन जूस या कोई ऐसी जूस बनाना पड़ा आप लोगों को, तो आप लोग क्या करते हैं कि कभी कभार नमक ज्यादा हो जाता है, एक गिलास में नमक ज्यादा होगा, एक गिलास में नमक क्या हो गया है, कम हो गया है, आप लोग समझ रहे हो, तो जिसमें ज्यादा होता है और जिसमें कम होता है उन दोनों को मिला देते हो तो क्या हो जाता है, वो जो एक अच्छा सोल्यूशन बन जाता है, यानी कि उसमें मोलैरिटी एक में ज्यादा है एक में कम है, और अल्टीमेटली जब आप मिलाते हो तो मोलैरिटी दोनों में कम हो जाती है और ठीक ठाक टेस्टी हो जाता है। इसका मतलब समझ लो कि हमने दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस को जब हम मिक्स करते हैं तो यही है मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। क्लियर हुआ इतना थोड़ा बहुत, यस सर। लेकिन अब इसका मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक बीकर था और उसमें हमारे पास हमने क्या किया, एक सॉल्यूट मिक्स किया, ऑब्वियस सी बात है बाइनरी सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि ए बीकर है और हमारे पास एक और बीकर है बीकर बी, इन दोनों में हमने सॉल्यूशन मिक्स, सॉल्यूशन है, ए बीकर की जो मोलारिटी है वो मेरा M1 है और उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है V1, यानी कि हो सकता है वो 500 ml सॉल्यूशन हो या 200 ml सॉल्यूशन हो, जितना भी हो, आर्बिट्ररी हमने माना कि V1 उसका सॉल्यूशन है और मोलारिटी क्या है ए बीकर वाले में M1। बी बीकर की जब आप बात करोगे तो इसकी जो मोलारिटी है वो, ये मेरी इंजीनियरिंग क्लासेस ज्वाइन जूम पर है, फोन हो था हमें की कुड़िया दाया है उसकी दा के पे बोले ओके बेटा कि इन दोनों को मिक्स कर दिया एक में, मान लिया क्या हमने क्या किया कि ए वाले बीकर को बी में डाल दिया। मेरी आवाज सही जा रही थी क्या आप लोगों को, इसे बीच में कट गई थी, हाँ वो कुछ इंटरनेट इशू था, अभी ठीक है ना, यस सर, चलिए बहुत बढ़िया। हमने क्या किया, ए बीकर का जो सोल्यूशन था बी वाले बीकर में ऐड कर दिया, तो एक बात बताइए क्या वॉल्यूम एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं करता। मान लीजिए कि एक बीकर में 500 ml था और दूसरे बीकर में 500, दूसरे वाले बीकर को मैंने दूसरे वाले बीकर में डाला तो क्या हो जाएगा, 1000 ml होगा कि नहीं होगा, यस सर, यानी कि वॉल्यूम जो है मेरा एडिटिव प्रॉपर्टी है,
सिमिलरली मोलारिटी भी एडिटिव है लेकिन थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंज होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, अब ऐसा नहीं है कि 500 5 मोलर ये था और 5 मोलर वो था तो दोनों को ऐड करेंगे तो 10 मोलर हो जाएगा, नहीं वो बदलेगा। तो उसके कैलकुलेशंस को देखते हैं, तो हमने क्या किया कि भाई ए वाले बीकर को बी में डाल दिया, तो अब होगा क्या कि एक नया सोल्यूशन बनेगा और उसकी मोलैरिटी क्या होगी, थोड़ी अलग होगी। लेकिन क्या वॉल्यूम V1 प्लस V2 होगा कि नहीं, बताइए आप लोग। यस सर। लेकिन चलिए, लेकिन अब मैं मोलैरिटी को ऐसे नहीं बोल सकता कि भाई यहाँ पर M1 प्लस M2 हो जाएगा, नहीं, मोलैरिटी ऐसे एडिटिव नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो मोलैरिटी बनेगी सॉल्यूशंस की, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, MR से, और इसको बोलते हैं रिजल्टेंट सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है चलिए, लेकिन इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एमआर को हम कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए बताता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास जो मोलारिटी ए बीकर की है वो कितनी है, M1 है, और उसके रिस्पेक्टिव वॉल्यूम से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो M1 V1। ठीक है चलिए, M1 V1 कर दिया। इस वाले बीकर की मोलारिटी कितनी है, M2 V2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और इन दोनों को जोड़ोगे यानी मिक्स ऐड करोगे तो जो आपको नया सॉल्यूशन मिलेगा उसकी मोलारिटी क्या होगी। मान लेते हैं कि उसकी जो मोलारिटी है वो MR है रिजल्टेंट सॉल्यूशन की, और वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। क्लियर हुआ इतना। अब आपको MR यानी इस सॉल्यूशन की मोलारिटी MR निकालनी है, तो एक काम करो V1 प्लस V2 को लेफ्ट साइड लेके चले जाओ। ठीक है, जब आप लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो MR जो है निकल के क्या आएगा बताइए, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, क्या निकल के आएगा कि नहीं आएगा बताइए। यस सर। तो सो रिजल्टेंट मोलारिटी जो होगी एक सॉल्यूशंस की, फाइनल सॉल्यूशंस की क्या होगी, MR इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। क्लियर हो गया इतना। चलिए, सो अगर मान लीजिए कि मेरे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि एक बीकर ए है यहाँ पर, दूसरा बीकर क्या है बी है, और यहाँ पर क्या है एक बीकर सी है। यहाँ पे मैंने बोला कि इसकी मोलारिटी M1 वॉल्यूम V1 है, बी के रेस्पेक्ट में मोलारिटी M2 V2 है, और यहाँ पे सी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी मोलारिटी, अगर M3 है तो वॉल्यूम क्या है V3 है। अगर मैं इसका रिजल्टेंट मोलारिटी लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा ना, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 इक्वल्स टू, अब फाइनल सॉल्यूशन की जो मोलारिटी होगी उसको क्या बोलेंगे, MR प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3। यही होगा कि नहीं होगा बताइए आप लोग। यस सर। और जब MR निकालोगे तो क्या करोगे आप लोग बताइए, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 अपॉन क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। यही आएगा कि नहीं आएगा फॉर्मूला निकल के। यस सर। तो एक काम करिए, इन दोनों को अगर आप नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, फिर हम इसके रिगार्डिंग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें। ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, जल्दी करो यार। हो गया सर। गुड, बहुत बढ़िया। सो आगे बढ़ते हैं। स्लाइड चेंज क्यों नहीं हो रही, अब हो गई। हाँ, यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl इज मिक्स्ड विद द 30 ml ऑफ 0.3 मोलर HCl, द मोलारिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि मैं बता देता हूँ कि जो हम सॉल्यूशंस मिक्स करेंगे ना वो सेम कंपोनेंट के होने चाहिए। नोट करिए कि क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर 0.5 मोलर HCl है तो दूसरा वाला भी मेरा क्या होना चाहिए, HCl ही होना चाहिए, सेम कंपोनेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने 0.5 मोलर HCl मिक्स किया और 0.5 मोलर जो है ने OH मिक्स किया है, ये नहीं मिक्स कर सकते। अगर आप एसिड और एसिड मिक्स करते हो तो ये अप्लीकेबल रहेगा। क्लियर हुआ आप लोगों को, सेम कंपोनेंट मिक्स करेंगे तो हम ये अप्लाई करेंगे, अगर अलग अलग होगा तो ये फॉर्मूला ना अप्लाई करके हम दूसरा अप्लाई करेंगे। ठीक है। यस सर।
चलिए सो आगे बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल्स आप देखिए, आप इसे सॉल्व करिए, बताइए कौन सा आंसर सही होगा, फिर मैं एक बार आप लोगों को बताऊं। यहाँ पर देखिए ये हमारे वॉल्यूम है V1, M1, यहाँ पर क्या है V2, यहाँ पर M2, सो यहाँ पे जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा MR, उसका रिजल्टेंट मोलैरिटी, वो आप लोग बताइए। कितना आ रहा है? 3 point कितना आया बताइए बताइए, सिंपल कैलकुलेशन करना है यहाँ पर। चलो जैसे कि हमने देखा ही था कि जब आपको MR निकालना होगा तो क्या करोगे आप कि भाई बाइनरी के लिए MR इक्वल्स टू क्या था, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन यहाँ पे क्या था V1 प्लस V2, ठीक है, यहाँ पे सारे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, V1 जो होगा वो 20 ml होगा, और जो V2 होगा वो कितना होगा यहाँ पर बताइए, 40 ml, और यहाँ पे जो M1 निकल के आएगा 0.5 मोलर, और जो M2 आएगा वो कितना होगा बताइए, 0.3 मोलर, ठीक है, रिस्पेक्टिव ही लेना है, ऐसा नहीं कि इसकी मोलारिटी दूसरे का वॉल्यूम मल्टीप्लाई करो, ऐसा मत करना आप लोग, ठीक ना। सो अब वैल्यू पुट करिए यहाँ पर आप लोग, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 × 20 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.3 × 30 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा टोटल वॉल्यूम जो है वो 20 + 30 क्या होगा 50, 10 + 0.9 होगा ये, सॉरी 0.9 नहीं होगा, 9 होगा, हाँ अपॉन 50 कितना आएगा ये बताइए आप लोग। हेलो इसे सॉल्व करिए और बताइए कितना आ रहा है, 19/50, कैलकुलेशन मेरा सही है ना, मैंने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। So, आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, सी ऑप्शन जो है वो परफेक्ट राइट है, बहुत सही। एक और न्यूमेरिकल आप लोग देखिए यहाँ पर, ये न्यूमेरिकल आप देख रहे हो, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए। मोलैरिटी इक्वेशन ऑफ मिक्सचर्स फॉर सॉल्यूशंस ऑफ द सेम सब्सटेंस, ठीक है, सेम सब्सटेंस इंपॉर्टेंट है, इसको नोटिस करिए। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए आप लोग फटाफट। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप श्योर हो? लगा दिया जाए मोहर, सही, बहुत सही, ग्रेट, ऑप्शन बी, ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन बी सही है, ठीक है, सो आपकी मोहर लग गई है, पर यहाँ पे करोड़ नहीं मिलने वाले, केबीसी का तो नहीं है ये, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, आप लोगों से कुछ सवाल पूछा जाता है, पूछ लो कुछ। यस सर। कि आयनिक इक्विलिब्रियम आप लोगों ने सही से पढ़ा है 11th में? अरे यार बताओ यार, इसमें क्या है? पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। नो सर, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं उससे। No, कोई बात नहीं, चलेगा, हम वो चीजें कवर करते हुए चलेंगे, ठीक ना। सो कोई बात नहीं, अब एक काम करिए आप लोग, अब हम जो पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, थियोरेटिकली रहेगा, ठीक ना। कि जैसे कि बेसिकली हम क्या करेंगे, पहला जो है हमारा हेनरी लॉ है, ठीक है, क्या है मेरा हेनरी लॉ, हेनरी,
इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मान लो आपने कभी कोल्ड ड्रिंक पिया है आप लोगों ने? मुझे नहीं लगता मेरे से कोल्ड ड्रिंक की बॉटल बनने वाली है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। सर इसमें फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी वगैरह नहीं करना? फॉर्मेलिटी हाँ वो भी कवर करेंगे, आप डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, ठीक ना? फॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी सब कवर करूंगा। अब एक बात बताइए, अगर ये बॉटल है, आपने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लिया आपने, ठीक है, और इस बॉटल के आप जब कैप ओपन करोगे तो क्या इसमें से कुछ गैस निकलती है? CO2 गैस। CO2 गैस होती है, यानी कि अगर मान लो कि किसी लिक्विड में अगर आप गैस एब्जॉर्ब करवाते हो तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए वो एब्जॉर्ब होगी उसमें, कोई बताएगा आप लोगों में से? हाई प्रेशर, ठीक है। पहला तो ये कि अगर एब्जॉर्ब करवाना है, क्या एब्जॉर्ब करवाना है, तो उसके लिए एक तो चाहिए हाई प्रेशर, ठीक है जी। दूसरा क्या कंडीशन होना चाहिए बताइए? लो टेम्परेचर कर सकते, क्या होना चाहिए? लो टेम्परेचर होना चाहिए। तीसरा क्या कि वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस पे, कि वो जितना पोलर गैस होगी, क्या पोलर गैस, पोलर या फिर पोलर कंपाउंड होगा या पोलर गैस होगी तो उतना आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। यानी कि दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कि हाई प्रेशर, दूसरा क्या लो टेम्परेचर, और तीसरा कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना? इतना क्लियर हुआ? एक और टर्म यूज लिख लीजिए कि हाईली लिक्विफेबल गैस जो है वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगी। लिक्विफेबल का मतलब कि जो आसानी से लिक्विड में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, तो वो आसानी से क्या हो जाएगी, लिक्विड में वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, या एब्जॉर्ब बोलिए या एब्जॉर्ब बोली, ठीक है, एब्जॉर्ब ना बोल के एब्जॉर्ब बोलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि एब्जॉर्ब का मतलब होता है सरफेस पे होना। सो इसको मैं एब्जॉर्ब ना करके क्या कर दूं, एब्जॉर्ब, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? पहला क्या टर्म होगा कि एक हाई प्रेशर, अगर हाई प्रेशर अप्लाई करोगे गैस पे तो वो लिक्विड में एब्जॉर्ब होगा, दूसरा लो टेम्परेचर होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, और जो गैस आप एब्जॉर्ब करवा रहे हो वो हाईली लिक्विफेबल होना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? यस सर। सो हेनरी लॉ क्या बोलता है भाई, कि जो मेरा गैस है ना जब एब्जॉर्ब होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, प्रेशर के होगा, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, सिंपल सा लैंग्वेज। इतना क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। इतना ही है कि भाई हेनरी साहब ये बोलते हैं अगर आपको कोई गैस एब्जॉर्ब करवानी है तो आप जितना प्रेशर अप्लाई करोगे, मान लो कि आपने क्या किया कि यहाँ पर एक बीकर लिया और आपने काम किया कि यहाँ से कुछ गैस, ये जो है एक पिस्टन बनाया, ठीक है, पिस्टन बनाने के बाद से आपने क्या किया कि यहाँ में एक होल कर दिया, ठीक है, और यहाँ से आपने क्या किया गैस फील किया और फिर आपके पास लॉक करके, और जितना ही आप प्रेशर बढ़ाओगे पिस्टन को प्रेस करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और एक काम करिए इसको आइस क्यूब में रख दीजिए, किस में रख दीजिए, आइस क्यूब में, तो जब इस सिस्टम का टेम्परेचर जो है टी क्या होगा, डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर लो रहेगा, और जब आप पिस्टन को प्रेस करोगे प्रेशर बढ़ाओगे तो वो गैस क्या हो जाएगी बताइए, लिक्विड में एब्जॉर्ब होगी कि नहीं? यस सर। सो ये कंडीशंस है। तो हेनरी लॉ साहब क्या बोलते हैं कि भाई साहब एडजॉर्प्शन ऑफ या एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस। कंफ्यूजन कई लोगों को होता है कि प्रेशर किसका, तो जो हम प्रेशर करते हैं, जो अप्लाई करते हैं गैस उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, उस प्रेशर को हम मेजर करें, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। चलिए, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कितना टाइम हो गया, 7:05, आप 5 से 10 मिनट आराम करो, फिर अगली क्लास आपकी शुरू हो, ठीक ना? यस सर। ठीक है, बाय बाय सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेन सर। गुड इवनिंग।